फ्रेंड्स, व्हाट्सअप दुर्गापुर में आपका वेलकम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। दोस्तों, मैं जिस जगह पे खड़ी हूं ये है निविता प्लेस का पीछे का, यानी कि जेके पाल लेन गली भी आप कह सकते हैं, और ये बेनासिती में है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है ये शमशान काली मंदिर है, लेकिन कुछ वर्षों पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ये शमशान था और चारों ओर जंगल थे। लोग बहुत ही डर के यहाँ पे आते थे, यहाँ के शाम ढलते लोग यहाँ आते भी नहीं थे, लेकिन अभी हर समय लोग का आना जाना है क्योंकि यहाँ पे माँ विराजमान है। जो आपको लेके आई हूँ तो इस जगह के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि पहले ये शमशान था और यहाँ पे पूजा भी होती थी। माँ का छोटा सा एक प्रतिमा हुआ करता था उस समय और पूजा भी होती थी, लेकिन अब ये शमशान मंदिर के तौर पे लोग जानते हैं और यहाँ पे माँ का भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। और आसपास में आप देखेंगे तो पीछे एक तालाब है, बहुत ही खूबसूरत है और चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुंदर है। साथ ही यहाँ पे शिवलिंग भी है, उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। और ये बिल्कुल बेनासिती के पास यानी जेके पाल लेन गली में है, यानी निविदिता प्लेस में है। तो चलिए आपको माँ का दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो है माँ का भव्य प्रतिमा है, तो आइए मेरे साथ आपको माँ का दर्शन कराते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये, बहुत शांतिमय जगह है और चारों ओर बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा। पीछे का तालाब भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल पहले आप माँ का दर्शन करें। रूप आपने देखा, भव्य प्रतिमा है। और मैं बता दूं कि हर अमावस्या को यहाँ पे खिचड़ी भोग होते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट माँ का भोग यहाँ पे लगता है, काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करते हैं। दिनों दिन इसकी मान्यता बढ़ती जा रही है, लोग भी इसको जान रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी जानेंगे और दर्शन करने आएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पीछे जो तालाब है उसका भी आपको दर्शन कराते हैं। साथ ही ये बता दूं कि इसका जो वार्षिक पूजा होता है, यानी वर्ष में एक बार जो पूजा होता है, वो काली पूजा के समय होता है। जैसे ही दीपावली होती है उस समय यहाँ भव्य आयोजन किए जाते हैं, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा होती है। अभी आपको मैं लेके चलूँगी माँ के प्रतिमा के पीछे का जो स्थान, वहाँ भी एक तालाब है, वही तालाब है, यहाँ पे प्रतिमा विसर्जन होता है और माँ के पूजा अर्चना का जो भी काम है इसी तालाब से होता है। और सबसे खास बात है कि आप देखेंगे कि इस तालाब के पीछे, जस्ट पीछे आपको अगर मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ खटाल है, यानी यहाँ गौशाला है, चारों ओर खटाल है। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का, सुंदर सब इस तालाब को चारों ओर से स्थानीय लोगों ने बहुत साफ सुथरे तरीके से रखा गया है। और देखा जाता है कि आजकल तालाब बहुत गंदे हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ का तालाब बहुत स्वच्छ है और बहुत सुंदर तरीके से है। तो ये बिल्कुल शमशान काली जो है निविता प्लेस में है, बेनासिती जेके पाल लेन गली के जस्ट पीछे है। जब भी मौका मिले तो आएँ और माँ का दर्शन करें, और कोशिश कीजिए कि अमावस्या के दिन आएँ तो माँ का स्वादिष्ट वो भोग आपको खाने को मिलेंगे। और ख़ास तौर पर अगर विशेष रूप से आप देखना चाहते हैं तो आपको आना होगा दीपावली के दिन, यानी काली पूजा के रात में जब आएंगे तो और भी सुंदर तरीके से, काफ़ी भव्य रूप से जो पूजा अर्चना होती है उन सभी दर्शन आप कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें और बने रहें व्हाट्सअप दुर्गापुर के साथ। नमस्कार।